आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्री जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे, जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। और हम देखते हैं हाल ही में जो घटनाएं कोरोना से घटित हुई हैं, हमारे पुलिस के जाबाज दो थाना प्रभारियों को जो है शहीद हो गए, सेवा करते करते कई डॉक्टर हो गए, ऐसी सारी परिस्थितियां। और आज का जो हमने लेटेस्ट डेटा आप सब इकट्ठा हो रहा है, तो विगत चार महीने में जितना कोरोना का संक्रमण का जितना असर नहीं था, विगत इन 10-12 दिनों में उससे तेजी से हुआ है। और एक और, चाहे केंद्र सरकार हो, माननीय गृह मंत्रालय हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, हमने सोशल गाइडलाइन एक जारी की है और उसमें ये भी कहा है कि चाहे ताजिए हों, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे शादी का हो या कोई मौत हो, इन सब में आदमियों को फिक्स कर दिया कि 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 होंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। अगर हम यहाँ 219 सदस्यगण, हमारे 300-400 कर्मचारी अधिकारीगण और तमाम पूरा जब इकट्ठा होगा, और हमारी हाल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भयानक है, क्योंकि हाल में जब हम मुख्य द्वार है उससे जब प्रवेश करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही गेट है, उसके बाद जब लॉबी में आते हैं जहां आप लोग भी वाइट लेते हैं और खड़े होते हैं, इसके बाद जब हम सदन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी हमारे पास एक ही द्वार है, और उसके बाद जब हम सदन के अंदर लॉबी के बाद फिर सेकंड लॉबी क्रॉस करके फिर जब प्रवेश करते हैं तो तीन द्वार है। तीन द्वार के बाद जो 219 सदस्यगण हैं, इनको अगर भविष्य में वहां पर टॉयलेट या इसके लिए जाना पड़े तो केवल सिचुएशन के लिए एक टॉयलेट है। सेंटर एसी हमारा पूरा हाल है और अध्यक्ष दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा है, अधिकारियों की है, अन्य जो कर्मचारी हैं हमारे वो सब, तो सबको लेकर जब 1,200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे होंगे, फिर हम धार्मिक आस्था में कैसे कह सकते हैं कि पंडाल नहीं लगेंगे, फिर हम किसको कैसे रोक सकते हैं कि शादी में केवल 5-10 लोग ही होंगे, मैयत में केवल 5 से 7 लोग भी होंगे। इसलिए, और ये रोग है, ये चिन्हित ही नहीं हो पा रहा कि है किस में। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे महानुभावों ने सब नहीं से उनने स्वाभाविक निर्णय लिया, तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।